हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अर्जुन, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, उसके दो लेक्चर्स भी हो गए। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? पूरा इंफॉर्मेटिव सेशन था जिसमें एक भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था, बट वो जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत ज्यादा फायदे वाली थी। और आज की क्लास में हम वही सब इंफॉर्मेशन का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? टैक्सेशन हमने डिस्कस किया था, टैक्स क्या होता है, टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। देन इनकम टैक्स क्या होता है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट को कैसे पे किया जाता है और इनकम टैक्स में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या डिडक्शंस मिलते हैं, कहां कहां पे हम अलाउ जो डिडक्शंस है वो क्लेम कर सकते हैं, वो सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा था बेटा। तो अब यही वो जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वो कंप्यूटेशन में, इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे आज हम। मतलब एक एग्जाम्पल डेमो, एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किसी पर्सन की सैलरी इतनी है, उसने इतना अलग मतलब इतने एक्सपेंसेस किए हैं या फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो अंडर एटीसी, एटीडी, एटीजी अलग अलग सेक्शन में उसको कितनी अमाउंट क्लेम करनी होती है, कैसे करेंगे और फाइनल अमाउंट जो बचती है जिसे हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले। तो आज का क्लास एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है कि जो हमने थियोरटिकल प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उन सबको आज की क्लास में हम अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला आज का क्लास, तो बने रहो बेटा लास्ट तक। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट इनकम स्लैब्स। अलग अलग इनकम स्लैब्स होते हैं, जैसे किसी का इनकम 5 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 लाख है, अलग अलग इनकम के स्लैब्स होते हैं ना, तो उनके लिए टैक्स रेट भी अलग डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने और ये हर साल चेंज होता रहता है। तो हम अभी ये जो सिलेबस है आपका, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करने वाले बेटा। तो अभी क्या हो सकता है ना, कुछ लोगों को लगे कि नहीं यार ये तो टैक्स रेट गलत बता रहे सर, अभी तो अलग चल रहा है। बेटा अभी अलग चल रहा है मैं मानता हूं, बट हमारे सिलेबस में जो दिया था हम वही पढ़ रहे, जब हमारा सिलेबस बना था उस टाइम पे जो टैक्स के रेट्स थे उसी रेट्स को हम फॉलो करके यहां पे बस एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी के रेट के हिसाब से आप वही सेम अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं ना, बट हमारे सिलेबस में जो दिया है वही तो आपको एग्जाम में आने वाला है बेटा। तो अभी जो नए रेट्स चल रहे वो तो हम यहां पे नहीं बताएंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी वैसा नहीं आएगा आपको, तो जो बुक में दिया है उसी को फॉलो करो अभी के लिए। ये जस्ट हम समझ रहे कि टैक्सेशन क्या होता है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। सो डोंट वरी बेटा, अभी रेट्स अलग है सर, आपने अलग बताया, जो बुक में है वही बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, और देन प्रैक्टिस सेट 6.2 में वही क्वेश्चंस हमें गिवन है, कुछ सैंपल क्वेश्चंस रहेंगे और उनको उनकी हेल्प से हम देखेंगे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, फाइनल कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी? चला मग स्टार्ट करिया। बट त्यासाठी अगोदर है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ ये जो टेबल्स है, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, तीन कैटेगरीज बनाए हैं, अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स जो है उनके जो रेट्स है वो सब अलग रहेंगे, अलग अलग स्लैब्स है तो उनके लिए रेट क्या रहेगा इनकम टैक्स का। देन उसके बाद आता है बेटा 60 to 80 इयर्स वाले जो पर्सन है उनके लिए अलग है और अबो 80 वाले के लिए अलग है। तो इस टॉपिक में हमें तीन टेबल याद रखने हैं, ठीक है, बट डोंट वरी, टेबल्स कैसे याद रखने उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। ये टॉपिक जो है ना बेटा, ये जो लास्ट वाला जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.2 है, इसमें अगर आपको टेबल्स अच्छे से पता है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये इसी टेबल में छिपा हुआ है। तो ऐसे तीन टेबल्स है, बट डोंट वरी, मैं आपको एकदम आसान करके बताऊंगा कि इन टेबल्स को याद कैसे करना है, ठीक है बेटा, इन टेबल्स को याद कैसे करना है बताऊंगा मैं। तो अभी के लिए आप दिमाग में रखो कि बस तीन टेबल्स हमें याद रखने हैं। पहला टेबल कौन से एज ग्रुप के लिए बेटा, पहला टेबल है अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स, मतलब 60 साल तक जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, उनके लिए सेम रूल फॉलो होगा और वो इस टेबल में दिया हुआ है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करते बेटा कि इसमें क्या क्या होता है। सर देखो, इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स के लिए ये टेबल बना हुआ है और इसमें कुछ रूल्स दिए हुए कि टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले यार, टैक्सेबल इनकम तो अभी आपको क्लियर है बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था,
उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे जो कि हम आज की क्लास में यूज करने वाले हैं। तो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर 2 देखो पहले, उसके बाद ही थर्ड लेक्चर आपको समझ में आएगा, है ना। चलो तो टैक्सेबल इनकम एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करके देता हूं। टैक्सेबल इनकम क्या होता है बेटा, जैसे मेरी इनकम 5 लाख है और मैंने कुछ डिडक्शंस क्लेम किए, मान लो 1 लाख मैंने डिडक्शन क्लेम किया, तो फिर डिडक्शंस करने के बाद जितना बचता है उसको हम बोलते हैं बेटा टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर फिर टैक्स फाइनली कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो किसी पर्सन का टैक्सेबल इनकम यहां पे दिया हुआ है, जैसे अप टू 2,50,000 होगा, 2,50,000 1 रुपीज से 5 लाख तक होगा, 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख तक होगा, या फिर मोर देन 10 लाख होगा, तो अलग अलग स्लैब के लिए यहां पे रेट्स दिए हुए बेटा। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि अप टू 2.5 लाख मतलब 2,50,000 तक गवर्नमेंट ने टैक्स जो है नील रखा है। नील रखा है मतलब अगर किसी का इनकम 2,50,000 होगा तो उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी का ये अलग है, ये सिलेबस जब बना था तब का है, तो ये नीले। देन अगर इनकम टैक्स ही नीले तो एजुकेशन सेस ये भी नील होगा, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस ये भी नील होगा। आप बोलेंगे ये क्या है, वो तो बताओ सर। बेटा एजुकेशन सेस मतलब क्या, जैसे अभी कंट्री में जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, तो आपने बजट में सुना होगा कि एजुकेशन के लिए इस बार इतना अलॉट किया है, जो बजट है इतना अलॉट किया है, तो गवर्नमेंट क्या करता है इनकम टैक्स के साथ साथ एजुकेशन का खर्चा मतलब एजुकेशन के लिए भी कुछ अमाउंट सेस मतलब क्या एक्स्ट्रा अमाउंट। तो यहां से इनकम टैक्स तो ले ही रहे बट एजुकेशन के लिए भी कुछ अमाउंट उस टैक्स पेयर से वो कलेक्ट करेंगे। देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो अप टू 10th होगा तो उसके लिए भी कुछ यहां पे अमाउंट कलेक्ट की जाएगी। तो ये एजुकेशन सेस और यहां पे होता है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, राइट। तो यार जिसका इनकम 2,50,000 है उसके लिए तो टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। बट जिनका इनकम 2,50,000 से ऊपर मतलब 1 रुपए भी अगर हो गया तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना। 2,50,000 1 रुपीज से लेके 5 लाख तक अगर इनकम होगा तो उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसके लिए रेट है बेटा 5%, ठीक है, उसके लिए रेट होगा 5% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। अभी इसको समझ लो बेटा अच्छे से, ये क्या बोल रहा है। मान लो यार किसी का इनकम है ना 4.5 लाख है, है ना, ये 4,50,000 है। तो आप बोलेंगे सर ये 4,50,000 पे फिर 5% कैलकुलेट किया जाएगा क्या? नहीं बेटा, सबको मिलेगा जो यहां पे डिडक्शन या फिर जो हम छूट बोलते हैं वो सबको मिलेगा। 2,50,000 तक किसी को भी टैक्स नहीं देना है। तो इनका इनकम अगर 4,50,000 है तो इनको भी ये 2,50,000 माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ही टैक्स देना है। तो इसलिए यहां पे बोल रहा है ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000। तो इसका टैक्सेबल इनकम मान लो 4,50,000 है तो इसको भी 2.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि सबको मिल रहा है ना। तो यहां पे माइनस करेंगे ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000, तो ये 2,50,000 माइनस कर दो, उसके बाद जो बचेगा अब कितना बचेगा यहां पे, फिर कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा ना, यस 2 लाख बचेगा। तो इसको 2 लाख पे 5% कैलकुलेट होगा और जितना अमाउंट आएगा उतना यहां पे इस स्लैब में अगर कोई पर्सन लाई करता है तो उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जिसका 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम आ रहा है तो मान लो 4-4.5 लाख हमने जो अज्यूम किया था तो उसको उसके ऊपर 5% देना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें से भी ये 2.5 लाख माइनस हो जाएगा क्योंकि 2.5 लाख तक तो सबको फ्री है ना, किसी को इनकम टैक्स नहीं देना है अप टू 2,50,000। क्लियर बेटा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर वो यहां पे 2.5 लाख से 5 लाख तक के स्लैब में लाई करते हैं तो उनको 5% टैक्स देना पड़ेगा, बट कौन सी अमाउंट पे, जो उसका इनकम है। इनकम बोलने से बेटर होगा कि टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम में से 2.5 लाख उसके भी माइनस हो जाएंगे और बचे हुए अमाउंट पे फिर 5% कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर बेटा। तो एग्जाम्पल के साथ भी हम समझे थे और एक्टिविटी भी करेंगे तो और समझ में आएगा। तो ये तो हो गया बेटा इनकम टैक्स उसको 5% के हिसाब से देना है, फिर उसको 2% ऑफ इनकम टैक्स क्या देना है, एजुकेशन सेस देना है। ये कंपलसरी 2 और 1 है तो इसको लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। देखो हर बार ये 2% और 1% ही लगेगा, एजुकेशन सेस हमेशा 2% लगेगा, बट किसका,
इनकम टैक्स का, ये टैक्सेबल इनकम का नहीं है। मान लो ये जो अमाउंट हमने कंसिडर की थी 2 लाख बची थी उसकी, 2,50,000 माइनस करने के बाद जैसे हमने 4,50,000 किसी का इनकम अज्यूम किया था, तो उसमें 2.5 लाख अगर माइनस करेंगे तो बचा था 2 लाख। 2 लाख के ऊपर फिर उसको 5% कैलकुलेट करने के बाद जितनी अमाउंट बनी थी उस अमाउंट का 2% लगेगा इसका एजुकेशन सेस, राइट। और उसी अमाउंट का 1% लगेगा बेटा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो ये हम एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी बस टेबल को याद कैसे रखना है ना वो एक बार समझ लो बेटा। तो टेबल में हमारे यहां पे क्या क्या होता है देखो, पहले टेबल में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर सेकंड और थर्ड टेबल एकदम फटाफट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होता है, तीनों भी टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, बस वैल्यूज अलग अलग है। तो वैल्यूज कैसे याद रखने मैं बताता हूं। देखो टेबल को याद रखना यही हमारा टारगेट है अभी के लिए। तो सबसे पहले टेबल में यार चार कंपोनेंट होते हैं, पहले टैक्सेबल इनकम आएगा इधर, फिर इधर आता है इनकम टैक्स, फिर इधर आता है एजुकेशन सेस, इधर आएगा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो ये दोनों तो सबको याद रहेंगे। कैसे सर? अरे 2% 1% 2% 1% लगा दो, ये देखो 2% 1% 2% 1% 2% 1%। और अब 2.5 लाख क्या है? सबको नीले, ये तो याद हो गया सबका, भी पक्का याद हो गया सबका। बस यहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा कैसे याद रखना है। ध्यान दो बेटा, अभी पहले दो कॉलम्स को याद कैसे रखना है। ये तो यार अप टू 2,50,000, उसके बाद 2,50,000 1 रुपीज से 5 लाख, देन 5 लाख से 10 लाख और मोर देन 10 लाख। ये भी याद हो गया, याद हो गया, बताओ जल्दी, याद हो गया? ये तो याद हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अप टू 2 लाख, देन 2,50,000 पहला आएगा, देन 2,50,000 1 रुपीज से 5 लाख तक जाएगा, देन 5 लाख से 10 लाख जाएगा, देन मोर देन 10 लाख जाएगा, बराबर। अब आते हैं अप टू 2 लाख, सब चारों भी यहां पे तीनों भी कॉलम्स क्या होंगे बेटा? नील 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 नील, राइट। अब आते हैं 2,50,000 से 5 लाख तक इनकम टैक्स कितना लगेगा बेटा? 5%। कौन से अमाउंट पे? जितना उसका टैक्सेबल इनकम होगा उसमें से ये बस ऊपर वाला कॉलम माइनस कर दो। ऊपर वाले कॉलम में जो वैल्यू है हाइएस्ट वैल्यू कितने, 2,50,000, ये बस उसका एक्चुअल में जितना टैक्सेबल इनकम है उसमें से माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर आपको 5% लगाना है, तो वो बनेगा फिर इनकम टैक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट वैल्यू क्या बोल रही है? 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख, 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख में कितना टैक्स लगेगा? तो आपको मैं बताता हूं यहां पर याद कैसे रखना है। बेटा देखो यहां पर एक फिक्स अमाउंट आपको दिख रही है 12,500, ये कहां से आई आपको पता है? ये अमाउंट आई थी इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 2.5 लाख और 5 लाख का डिफरेंस कितना? 2.5 लाख और 5 लाख में डिफरेंस कितना होता है? 2.5 लाख का होता है, बराबर। मतलब 2,50,000 का डिफरेंस होता है ये दोनों में। क्लियर? तो 2,50,000 का डिफरेंस है, तो इसका अगर मैं 5% कैलकुलेट करूं ना तो 12,500 आएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है। मतलब क्या किया इन्होंने, नीचे के स्लैब में अगर हम जाएंगे तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसका 5% उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके एक फिक्स अमाउंट दे दिया कि आपको इतना तो पे करना ही है, क्योंकि आप इस स्लैब में लाई करते हो तो आपको 12,500 पे करना ही है प्लस। अब यहां पे देखो यार, यहां पे रेट अलग है, 20% है। मान लो आपका इनकम, टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में लाई कर रहा है तो आपको 12,500 तो फिक्स देने ही पड़ेंगे, प्लस आपको 20% टैक्स रेट लगेगा। बट वो किस पे लगेगा? अब आपको प्रीवियस वाला वैल्यू माइनस करना है टैक्सेबल इनकम में से। देखो 5 लाख माइनस करना है, ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख, दिख रहा है? यहां पर हमने माइनस किया क्या था बेटा? 2,50,000 जो कि प्रीवियस वाला वैल्यू था। यहां पे माइनस क्या करेंगे? ये प्रीवियस वाला हाईएस्ट वैल्यू है ना, 5 लाख यहां पे माइनस करेंगे। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट आता है मोर देन 10 लाख। मोर देन 10 लाख में क्या किया उन्होंने? यहां पे भी एक फिक्स अमाउंट है, वो फिक्स अमाउंट क्या है बेटा? 1,12,500 है ना, 1,12,500। अब ये 12,500 यहां से एज इट इज आ गया, फिर ये 1 लाख कहां से आया सर? 1 लाख कहां से आया पता है? दिस 1 लाख इज 20% ऑफ द डिफरेंस। 5 लाख और 10 लाख में डिफरेंस कितना होता है बेटा? 5 लाख का होता है। तो 5 लाख का 20% कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आता है? 5 लाख का 20% आएगा 1 लाख। तो यहां से उन्होंने 1 लाख ले लिया,
और यहां से 12,500 ले लिया और फिर इस स्लैब में लाई कर रहा है, इसलिए इसका रेट डिसाइड किया 30%, बराबर। बट यहां पे भी माइनस क्या होगा, प्रीवियस वाला हाईएस्ट क्या है 10 लाख, तो टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, क्लियर बेटा। टैक्सेबल इनकम माइनस ये 10 लाख माइनस कर दो तो जितना बचता है उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और ये फिक्स अमाउंट रहेगा, 1,12,500 तो देना ही पड़ेगा, क्लियर बेटा, 1,12,500 तो देना ही पड़ेगा। अभी फटाफट बताओ चैट बॉक्स में कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो गया, पूरा तो याद नहीं होगा यार, फर्स्ट टाइम है मुझे पता है, मैं भी समझ सकता हूं, है ना, छोटा सा दिमाग है आपका, एकदम से इतना थोड़ा याद रहेगा, बट थोड़ा बहुत तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये पूरा टेबल मैं आपके याद आपसे याद करके लूंगा, ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूं और उसके बाद फिर हम एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेबल पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो यार थोड़ी प्रैक्टिस एक बार देख लो पूरा, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम आएगा, फिर इनकम टैक्स आता है, फिर ये तो याद है यार, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। अब यहां पर टैक्सेबल इनकम में क्या आता है बेटा, चलो आप भी बिना देखे मेरे साथ बोलो, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम में कौन सा स्लैब आता है, अप टू 2,50,000, उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, नील, टैक्स कितना लगता है, नील। ये अगर नील है तो एजुकेशन सेस जो दोनों भी नील ही रहेंगे क्योंकि वो हमेशा टैक्स पे ही लगते हैं, इनकम टैक्स पे ही लगते हैं। अब सेकंड स्लैब कौन सा है, बिना देखे ट्राई करो बेटा, सेकंड स्लैब कौन सा है, 2,50,000 ₹1 से लेके 5 लाख तक का स्लैब है, उसमें क्या होता है सर, उसमें 5% टैक्स लगता है, बट कौन से अमाउंट पे, टैक्सेबल इनकम माइनस प्रीवियस वाला जो था 2,50,000, ये माइनस होगा और बचे हुए अमाउंट पे 5% लगेगा, बराबर। अब जहां से टैक्स लग रहा है वहां पे एजुकेशन सेस कितना लगेगा, 2% ऑफ इनकम टैक्स, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस कितना लगेगा, हमेशा 1%, ये वाला हमेशा 2% और ये वाला हमेशा 1%, क्लियर बेटा, दो स्लैब तो याद हो गए ना। अब तीसरा क्या बोलता है, 5,01,000 से लेके 10 लाख तक, अब 5,01,000 से लेके 10 लाख तक सबसे पहले फिक्स अमाउंट आएगी, क्या अमाउंट बेटा, फिक्स अमाउंट 12,500। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये अमाउंट मैंने बताया था कैसे आती है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है बेटा, 2.5 लाख का होगा, है ना, वो ₹1 का छोड़ दो यार, है ना, 2,50,000 2,50,000 माइनस 5 लाख, तो इनमें डिफरेंस होता है बेटा 2,50,000 का, और 2,50,000 का 5% कैलकुलेट करो तो ये आता है। ये सब करना नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप वैल्यू याद रखो, बट कहां से आती है ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। तो 12,500 फिक्स रहेगा, अब यहां पे 20% लगेगा, तो 20% ये जो परसेंट होता है हमेशा किस पे लगता है, टैक्सेबल इनकम माइनस एक वैल्यू माइनस होती है, कौन सी, उसके प्रीवियस वाले स्लैब की हाईएस्ट लिमिट कहां तक थी, कहां तक थी इसकी प्रीवियस वाली, 5 लाख तक, तो यहां पे टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख हो जाएगा और उसके ऊपर आपको 20% कैलकुलेट करना होगा। तो यहां से 5 लाख से 10 लाख तक वाला हो गया, 5 लाख से 10 लाख तक का हो गया। अब इसके बाद आता है बेटा 10 लाख से ज्यादा वाला, मोर देन 10 लाख में क्या होता है सर, मोर देन 10 लाख में होता है 1,12,500 फिक्स अमाउंट प्लस 30% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, क्योंकि प्रीवियस वाले स्लैब 5 से 10 लाख था तो हाईएस्ट लिमिट उसकी 10 लाख थी, तो 10 लाख उसमें से माइनस होगा टैक्सेबल इनकम में से, क्लियर बेटा। इधर तो 2% 1% 2% 1% चलता रहेगा, क्लियर है ना, सबको क्लियर है, सबको याद हो रहा है, जितने भी लोग यहां पे ध्यान दे रहे सबको याद हो रहा है क्या, बताओ फटाफट। चलो अभी फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सबसे पहले आता है सर टैक्सेबल इनकम, इधर आएगा इनकम टैक्स, 2.5 लाख तक क्या होता है, नील नील नील, ये तो छोड़ ही देंगे हम, अभी पहले दो ही याद करते हैं, ठीक है, देन 2.5 लाख, 2,50,000 ₹1 से 5 लाख, 5% होगा और ये हमेशा माइनस होता है, टैक्सेबल इनकम माइनस प्रीवियस वाला आपको यहां पे माइनस करना है, ठीक है। देन उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, सॉरी 2,50,000 ₹1 से 5 लाख तक क्या होता है, कितना आएगा, 5% आएगा। देन 5 लाख ₹1 से 10 लाख में कितना आएगा बेटा, एक फिक्स अमाउंट यहां पे आएगा भी 12,500 और टैक्स रेट रहेगा 20%। देन 5 लाख से 10 लाख, ये 5 लाख से 10 लाख वाला था, 5 लाख से 10 लाख वाला 12,500 प्लस 20% आएगा। उसके बाद मोर देन 10 लाख में क्या आएगा बेटा, 1,12,500 आएगा प्लस
30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख। क्लियर, यहां तक याद होगा बेटा आपको। तो खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो बेटा, आपके नोटबुक में ना खुद से लिखो एक बार। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लियर बेटा, खुद से लिखना है। तो ये टेबल आपको अभी मोटा मोटा याद तो हुआ होगा, फिर हम आगे के टेबल्स डिस्कस करेंगे तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो नीचे क्या दिया बेटा, सरचार्ज इक्वल टू 10% ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़। अब जिनका इनकम, ये तो है ही सबके लिए, बट जिनका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है उनको 10% और एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है गवर्नमेंट को, सरचार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है गवर्नमेंट को। और जिनका इनकम मोर देन 1 करोड़ होगा उसको 15% एक्स्ट्रा देना है, उनको 15% एक्स्ट्रा देना, यह सरचार्ज होता है। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है एक मार्क के लिए कि बेटा जिसका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ होगा उसको सरचार्ज कितना देना होता है, 10%। जिसका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होता है उसको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 15%। यह सब टेबल के लिए सेम रहेगा, तीनों भी टेबल के लिए सेम रहेगा, ठीक। बस ये वाले रेट जो है ना ये चेंज होते जाएंगे और ये स्लैब चेंज होते जाएंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो अब टू द एज ऑफ 60 इयर्स वाला हो गया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा, खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते, एक्टिविटी देखो। यूज टेबल 1 गिवन अबो एंड राइट द अप्रोप्रिएट अमाउंट फिगर इन द बॉक्सेस फॉर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। मिस्टर मेहताज एनुअल इनकम इज ₹4,50,000, टेबल 1 उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, मतलब उनका एज 60 के बीच में ही लाई करता है और उनकी इनकम हमें दी बेटा 4,50,000। इफ ही डज नॉट हैव एनी सेविंग्स बाय विच ही कैन क्लेम डिडक्शन फ्रॉम हिज इनकम, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है तो वो डिडक्शन नहीं कर सकता, तो उसका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 4,50,000। यहां तक तो क्लियर है ना। उसके पास कोई है ही नहीं डिडक्शन क्लेम करने के लिए तो उसका टैक्सेबल इनकम 4,50,000 ही हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो अब बोल रहा है कि टू विच स्लैब डज हिज टैक्सेबल इनकम बिलोंग, तो कौन से स्लैब में आएगा बेटा इसका टैक्सेबल इनकम, बताओ जल्दी। 4,50,000 है, मैंने सेम एग्जांपल लिया था टेबल को लर्न करते टाइम पे, जिसका इनकम 4,50,000 है वो कौन से स्लैब में आएगा, 2,50,000, 1 रुपीज से 5 लाख के बीच में आएगा, इसी के बीच में आता है ना, हो गया हमारा आंसर। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा 2,50,000 1 रुपीज से लेके 5 लाख के बीच में आएगा। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर, ये इनकम इस वैल्यू के बीच में आता है तो ये वाला उसका स्लैब आएगा। क्लियर बेटा सबको। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन विच ही विल हैव टू पे इनकम टैक्स एंड व्हाट परसेंट रेट, तो उसको कितना परसेंट टैक्स लगेगा बताओ यार जल्दी। 2.5 लाख तक तो नील होता है, 2,50,000 1 रुपए से 5 लाख में कितना रेट लगता है, टैक्स रेट कितना लगता है, 5% लगता है सर। तो यहां पे यार रेट जो है ना, ये थोड़ा सा इधर सेंटेंस गड़बड़ हुआ है, तो मैं इसका आंसर ऐसे लिखता हूं बेटा, रेट अगर है तो वो हो जाएगा बेटा 5%, है ना। तो इनकम टैक्स कितना लगेगा फिर उसको, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स लगेगा, हाँ कौन से अमाउंट पे लगेगा वो इंपॉर्टेंट है। अब इसको 4,50,000 पे इनकम टैक्स पे करना है क्या, नहीं, यहां पे भी हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम माइनस प्रीवियस वाला वैल्यू कौन सा माइनस करना है, 2,50,000 माइनस करना है ना, जो भी इनकम यहां पे आ रहा है उसमें से माइनस हमेशा क्या होता है, प्रीवियस वाला हाईएस्ट वैल्यू, मतलब 2,50,000 माइनस होगा। तो यहां पे इनकम टैक्स किस पे लगेगा बेटा, इनकम टैक्स लगेगा, यहां पर लिखते बेटा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ किसका 5% बेटा, 4,50,000 माइनस 2,50,000 बराबर। तो अब यार इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये 4,50,000 माइनस 2,50,000 क्या होता है, 2 लाख। क्लियर बेटा, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आएगा मेरा आंसर यहां पे, ये 10, तो 10,000 आ रहा है ना। तो मिस्टर मेहता को कितना टैक्स लगेगा बेटा, 10,000 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा, है ना, पूरे 4,50,000 का 5% नहीं आएगा, उसमें 2,50,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2,50,000 तक तो सबको नील है, टैक्स का जो टैक्स नहीं देना होता है,
250,000 तक सबको फ्री है, वो वाला इनकम सबके लिए फ्री है वहां पे, मतलब वहां तक किसी को भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इनका इनकम भले ही ज्यादा है बट इनको भी 250,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, है ना, उस अमाउंट का कोई टैक्स लगता ही नहीं है। क्लियर बेटा? तो हमने जो टेबल स्टडी किया था उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आया कि छोटे मोटे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम यहां पे कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर है। ऑन व्हाट अमाउंट विल द सेस बी लेविड, तो सेस कौन से अमाउंट पे लगेगा? हमेशा सेस कौन से अमाउंट पे लगता है? इनकम टैक्स पे लगता है। तो सेस कौन से अमाउंट पे लगेगा बेटा? सेस लगेगा 10,000 पे। क्लियर ना? सेस कौन से अमाउंट पे लगेगा? 10,000 पे सेस लगेगा। तो 2% लगेगा एजुकेशन सेस और 1% लगेगा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। आई होप सबको क्लियर है ना बेटा। चलो अब सेकेंड टेबल देखते हैं जिसमें आएगा एज ग्रुप 60 to 80। एज ग्रुप कौन सा आएगा बेटा? 60 to 80। अब इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और छूट दे दिया, क्योंकि यार रिटायरमेंट है ना, रिटायरमेंट के बाद वाले जो इंडिविजुअल्स है उनका इनका रिटायरमेंट हुआ होता है, तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में छूट दे दिया। मतलब आपका इनकम 3,00,000 तक होगा ना एनुअली, तो आपको छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। वहां पे कितना था? 2,50,000 तक था, मतलब 2,50,000 तक था। यहां पे 3,00,000 तक इनकम टैक्स में छूट मिलेगी आपको, तो ये नील 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 है ना। अब नेक्स्ट स्लैब क्या आएगा बेटा? 3,01,000 से लेके 5,00,000 है ना, बस इतना ही डिफरेंस है। 3,00,000 ये आगे का सेम है, देखो 5 से 10 और मोर देन 10। तो 3,01,000 से 5,00,000। अब स्ट्रक्चर पूरा सेम है, देखो यहां पे 5% लगा था, फिर 20 लगा था और 30 लगा था। मतलब परसेंटेज वाला तो याद हो गया सर हमारा, मैंने बोला था ना फर्स्ट टेबल अगर याद हो गया तो सेकंड और थर्ड एकदम इजीली हो जाएगा। तो परसेंटेज तो सेम है तीनों प्रीवियस और इस टेबल में, 5%, 20% और 30%। ये वाला फिक्स अमाउंट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्लैब चेंज हुआ ना। ये 3,01,000 से 5,00,000 है, वो 2,50,000 से 5,00,000 तक था, इसलिए वहां पे फिक्स अमाउंट चेंज हो रहा था। तो यहां पे मैंने बोला था देखो आपको, ये 3,00,000 और 5,00,000 में डिफरेंस कितना होता है? 2,00,000 का होता है। 2,00,000 का 5% कितना आएगा? फिर 10,000 आएगा, है ना। 2,00,000 का 5% कितना आएगा? 10,000 आएगा। और इसीलिए नेक्स्ट स्लैब में 10,000 एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया और फिर 20% देना है। किस पे? जितना इनकम होगा टैक्सेबल इनकम, उसमें से प्रीवियस वाला हाईएस्ट वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो देखो 5,00,000 माइनस हो रहा है ना। क्लियर है बेटा? और मोर देन 10,00,000 में क्या होगा? देखो यहां पे ये 10,000 तो यहां पे आ ही जाएगा, ये 1,00,000 एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? ये दोनों का डिफरेंस करके देखो ना, 5,00,000 डिफरेंस होता है। और 5,00,000 का 20% करो तो 1,00,000 आएगा। तो यहां से 1,00,000 आया, यहां से 10,000। तो इस स्लैब में जो लोग लाई करते हैं उनको 1,10,000 तो देना ही है, प्लस 30% देना होगा ऑफ द टैक्सेबल इनकम माइनस 10,00,000। समझ में आ रहा है बेटा? ये नीचे वाला सेम रहेगा सबके लिए। देखो 10% 50,00,000 से 1,00,000 और 15% देन ग्रेटर देन 1,00,000। ये पूरा सेम है ना। मतलब हर एक टेबल में बस स्टार्टिंग के दो कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सेम ही चलता रहेगा। देखो 2% 1% 2% 1% 2% 1%। बट याद रखना सेस हमेशा इनकम टैक्स पे लगता है बेटा, सेस कभी टैक्सेबल इनकम पे नहीं लगता है। इनकम टैक्स किस पे लगता है? टैक्सेबल इनकम पे। और सेस किस पे लगता है? इनकम टैक्स पे। क्लियर है ना? यस। तो याद हो गया बेटा। चलो फटाफट एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज 60 to 80 वाला जो टेबल है, मतलब सेकंड टेबल, उसमें सबसे पहले 3,00,000 से स्टार्ट होता है और 3,00,000 के लिए नील 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 होता है। देन 3,01,000 से 5,00,000 में 5% लगेगा, बट उसमें भी क्या होगा? जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से 3,00,000 माइनस हो जाएंगे, प्रीवियस वाला माइनस होता है बेटा हमेशा, है ना। देन 3,00,000 से 5,00,000 वाला, ये तो हो गया सॉरी। देन आता है 5,01,000 से 10,00,000 तक क्या होगा? एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी। कितनी अमाउंट? वो 10,000 है। अगर भूल गए तो क्या करेंगे? 5% किसका? डिफरेंस का। डिफरेंस 2,00,000 है, 2,00,000 का 5% 10,000 होता है। तो 10,000 प्लस 20% भी देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम माइनस कौन सी वैल्यू? 5,00,000। देन अगर मोर देन 10,00,000 होगा तब क्या करेंगे? एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी उनको, 1,10,000 प्लस 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम माइनस 10,00,000। क्लियर बेटा? तो सेकंड टेबल भी आई होप सबको क्लियर होगा, सेकंड टेबल भी लर्न होगा। फटाफट बताओ यार चैट बॉक्स में, फायर 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 के इमोजी आने दो यार। फायर कहां गया? फायर
अरे एनर्जी नहीं दिख रही मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट चैट बॉक्स में एक बार फायर आने दो और बता दो कि आपको टेबल लर्न हो रहे हैं कि नहीं। लिख दो चैट बॉक्स में कि यस सर टेबल लर्न हो रहे हैं और मेरा टेबल लर्न हो गया। जिसका हो गया वो लिख सकता है कि यस मेरा टेबल लर्न हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, तो इससे और क्लियर हो जाएगा कि जो टेबल्स है इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज कैसे करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, यूज टेबल सेकंड, मतलब 60 to 80 वाला जो एज ग्रुप है वो वाला टेबल यूज करना है। मिस्टर पंडित इज 75 इयर्स ऑफ एज, मतलब ये सेकंड टेबल यहां पे लगेगा क्योंकि 75 एज है ना, 60 टू 80 के बीच में लाई करता है। लास्ट ईयर हिज एनुअल इनकम वॉज 13,25,000, उनका एनुअल इनकम कितना है 13,25,000 है। मतलब ये कौन से स्लैब में आएंगे, ये लास्ट वाले स्लैब में आएंगे, मोर देन 10 लाख वाले में, है ना, क्योंकि 13,25,000 है। हाउ मच इज हिज टैक्सेबल इनकम, हाउ मच टैक्स डज ही हैव टू पे, उनका टैक्सेबल इनकम कितना होगा और उनको टैक्स कितना पे करना होगा। देखो और कुछ इंफॉर्मेशन दिए यहां पे, 13,25,000 में से उन्होंने यहां पे 10 लाख माइनस कर दिया तो बचा कितना बेटा 3,25,000। अब ये 10 लाख माइनस क्यों किया सर, अरे हमें पता है ना, देखो इस स्लैब में अगर लाई करते हैं तो यहां पे टैक्सेबल इनकम, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 13,25,000 दिया है, उसमें से माइनस क्या करेंगे बेटा 10 लाख माइनस करेंगे ना, और जितना अमाउंट बचता है उसके ऊपर हम लगा देंगे 30%। फिर बराबर उनको ये अमाउंट तो देना ही है, बस ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम 10 लाख माइनस कर रहे अभी के लिए, है ना। तो यहां पे देखो ये 10 लाख माइनस कर दिया तो जो अमाउंट बचा अभी यहां पे इसको लगेगा, इसके ऊपर लगेगा 30%, है ना, इसके ऊपर 30%। अकॉर्डिंग टू द टेबल ही मस्ट फर्स्ट पे ₹1,10,000, बोला था ना मैंने उनको 1,10,000 तो देना ही है यार, बस ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इसके ऊपर उनको 30% देना पड़ेगा, और इसलिए हमने ये डिडक्शन किया था यहां पे, मतलब सब्ट्रैक करके बताया था इतना बच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल ही मस्ट फर्स्ट पे ₹1,10,000 एज इनकम टैक्स, इन एडिशन ऑन ₹3,25,000 ही हैज टू पे 30% इनकम टैक्स, बोला था ना जो 3,25,000 यहां पे डिफरेंस आया बेटा उसके ऊपर उनको 30% टैक्स देना पड़ेगा एडिशनली, ये तो देना ही है प्लस 30% भी देना पड़ेगा बराबर। तो अब देखते हैं यार 3,25,000 है इनटू 30%, अब काटा काटी करेंगे, चलो कट कट क्या होगा, ये कट होगा ये भी कट होगा, कितना बचता है 32,500 इंटू 3, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, 32,500 इंटू 3 है ना, तो ये 0,0,3,5 15 कैरी 1 3,2,6,7 मतलब 97,500 और देना पड़ेगा, बाबा 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 1,10,000 तो देना ही है और 97,500 भी देना पड़ेगा, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना सारा टैक्स उनको देना है, किसको, मिस्टर पंडित को, ठीक है, क्योंकि इनकम ज्यादा है ना 13,25,000 है। देयरफॉर हिज टोटल इनकम टैक्स अमाउंट्स टू, टोटल इनकम टैक्स उनका कितना होगा बेटा 1,10,000 तो बनेगा ही, प्लस ये 97,000, ठीक है, प्लस ये इसको मैं हटा देता हूं अभी के लिए, कितना आया था वो भूल गया मैं, 97,500 आया था, है ना, तो यहां पे ऐड करेंगे बेटा 97,000, तो ये दोनों मिला के यहां पे अमाउंट बनेगी, तो 1,10,000 और 97,500 कितना आता बेटा 0,0,5,7 ओके 2,07,500 देना है उनको, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 2,07,500 देना पड़ेगा। ये था फिक्स अमाउंट, ये था 30% वाला, और टोटल मिला के उनको 2,07,500 टैक्स ही देना है बराबर, समझ में आ रहा है। टेबल सेकंड को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ऐसे ही करना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये तो एक्टिविटी है, तो जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है ना वहां पे भी सेम ऐसे ही करना है, थोड़ा बहुत अभी आगे हम लेवल बढ़ाएंगे, ये एकदम बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन है ना, बट ऐसे ही करना है हमें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बिसाइड दिस, मतलब इसके अलावा एजुकेशन सेस विल बी 2% ऑफ इनकम टैक्स, अब जो इनकम टैक्स वो दे रहे उसके ऊपर फिर एजुकेशन सेस लगेगा, है ना, मतलब छोड़ेंगे नहीं देखो इसके ऊपर भी अभी 2% लगाएंगे वो, तो ये अमाउंट यहां पे लिखता हूं बेटा मैं 207,500, है ना, यहां पे लिखा इस डब्बे में,
ये कैंसल, अब 2075 है तो इसका डबल करेंगे तो क्या होगा 4150। क्लियर बेटा, 4150 आ रहा है मेरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं, देख लो आप भी चेक करो एक बार। इसका डबल करेंगे 2000 का तो 4000 आएगा और 150 4150, ठीक है मैं चेक करता हूँ, क्योंकि लास्ट अमाउंट मैच अगर नहीं हुई तो समझ जाओ गलत किया हमने। अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन एट 1%, तो इसका 1% मतलब 2075 00, इसका 1%, तो इसका 1% तो यार सिंपल है, 1% तो वही आएगा 2075, है ना। तो अब देखो थोड़ा ध्यान दो बेटा, यहां पे उनको टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है पता है, ये वाला तो इनकम टैक्स ही पे करना है, ये वाला एजुकेशन सेस पे करना है, और ये वाला सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस पे करना है, तो ये तीनों अमाउंट मिला के यहां पे आएगा टोटल इनकम टैक्स कितना पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है जो बेस अमाउंट मतलब इनकम आया था, इनकम टैक्स आया था एक्चुअल में, देन एजुकेशन सेस भी पे करना है मतलब सेकंड वाला, देन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस मतलब थर्ड वाला, तो तीनों का एडिशन करके अगर हमारा आंसर इतना आ रहा है तो हमने कैलकुलेशन बराबर किया। चेक करते ना, 2,07,500 तो देना ही है, प्लस 4150 भी देना ही है, प्लस 2075 भी देना ही है, तो ये 5 ये 2 ये 7 ये 3 यस, मतलब एग्जैक्ट आया है हमारा आंसर, हमने बराबर कैलकुलेशन किया है ना बेटा। तो तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल यहां पे अमाउंट मिल रही है 2,13,725, मतलब मिस्टर पंडित को टोटल टैक्स इतना देना पड़ेगा 2,13,725। उनका एनुअल इनकम कितना था 13,25,000, उसमें से 2,00,000 तो टैक्स में ही चले जाएंगे, है ना। तो ये दर्द आपको बाद में समझ में आएगा, है ना, इसका क्या दर्द होता है, कितना बुरा लगता है इतना कमा रहे और इसमें से इतना टैक्स देना है, है ना, उसका फील आपको बाद में लेने को मिलेगा। अभी बस आप एग्जाम के लिए स्टडी करो और इसमें से जितना नॉलेज मिलता है वो आपके दिमाग में रखो, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। चलो आपके पेरेंट्स को पूछो अगर कमाते हैं अच्छा, मतलब उनका इनकम इसके ऊपर अगर जाता होगा एक लिमिट के बाहर, तो उनको पूछो क्या दर्द होता है टैक्स पे करते टाइम पे। चलो तो बेटा ये जो तीनों कैलकुलेशंस है ना, ये डब्बे तीन यहां पे दिए हुए, यहां पे लिखने थे तो आप लिख दो उसको, है ना, ये बहुत छोटे छोटे डब्बे और ये टैक्स बहुत बड़ा है, तो वो इतने डब्बे इतने छोटे डब्बे में तो नहीं आएगा, तो आप इसको बाद में लिख लेना, कर लेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा थर्ड टेबल, ये तो बहुत सिंपल है यार। थर्ड टेबल मतलब जिनका एज मोर देन 80 इयर्स होता है, 80 इयर्स के ऊपर जो है उनको और छूट दे दी, 5,00,000 तक ऐश करो नीले, 5,00,000 तक आपके लिए नीले, देन 5,01,000 से 10,00,000 में 20% आएगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पे फिक्स अमाउंट क्यों नहीं आया, बेटा नील के बाद वाला जो कॉलम होता है उसमें फिक्स अमाउंट आती ही नहीं है, दिखाओ एक बार, ये देखो नील के बाद वाला जो है यहां पे फिक्स अमाउंट आती ही नहीं, उसके बाद स्टार्ट होती फिक्स अमाउंट, है ना, तो इसलिए यहां पे 5,00,000 तक तो फ्री है, 5,00,000 से 10,00,000 में पहला ही स्लैब आ रहा है जहां पे टैक्स लग रहा है, तो वो 20% है, है ना, 5% वाला गायब कर दिया यहां पे, क्योंकि इतना छूट दिया ना, तो डायरेक्ट 5,00,000 से 10,00,000 में उन्होंने 20% लगा दिया। फिर बट ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, प्रीवियस वाला माइनस होता है, माइनस क्या होगा फिर यहां पे 5,00,000, बराबर बेटा, तो 20% लगेगा टैक्सेबल इनकम माइनस प्रीवियस वाला माइनस कर दो, जैसे यहां पे 5,00,000 है। फिर इसके बाद एक फिक्स अमाउंट आता है, और ये फिक्स अमाउंट कहां से आता है आपको पता है, अभी 20% करना है, जो परसेंट यहां पे दिख रहा है वो करना है किसका, डिफरेंस का, तो यहां पे डिफरेंस 5,00,000 का है, 5,00,000 का 20% निकालो तो आपको फिक्स अमाउंट मिल जाएगी 1,00,000, समझ में आ रहा है ना, तो ये 1,00,000 यहां से आता है बेटा, और ये 30% यहां पे लगा दिया मोर देन 10,00,000 में, तो थर्ड वाला टेबल तो बहुत आसान हो गया है, ये तो अभी लर्न हो गया सबका, है ना, बस स्टार्टिंग के दो कॉलम से आपको याद रखने, तो अप टू 5,00,000 नील, 5,01,000 से 10,00,000 कितना 20%, देन उसके बाद मोर देन 10,00,000 क्या होगा, 1,00,000 फिक्स अमाउंट देनी है प्लस 30% भी आपको पे करना है, और ये परसेंटेज हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, आपका एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम जितना है माइनस द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रीवियस स्लैब जो कि यहां पे 10,00,000 है। क्लियर बेटा, ये तो सेम रहेगा, देखो 10% 15%,
50 लाख से 1 करोड़ तक आपकी इनकम है तो आपको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ेगी, जिसको हम सरचार्ज बोलते हैं। क्लियर बेटा? तीनों भी टेबल्स याद है? फटाफट लिख दो यार कमेंट बॉक्स में, यस सर तीनों भी टेबल्स याद हो गए, लिख दो फटाफट, मुझे भी समझ में आएगा फिर कि आपको याद हो रहे कि नहीं हो रहे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा बेटा? ऑब्जर्व द टैक्सेबल सॉरी टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स। आपको इस टेबल में ना कुछ वैल्यूज गिवन है बेटा, कुछ पर्सन दिए, उनकी एज भी दिए, उनका इनकम भी दिया, टैक्सेबल इनकम, तो बताना है बस आपको यह बताना है कि उनको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो लगेगा तो यस लिखना है, नहीं लग रहा है तो नो लिखना है, बस खत्म। देखो मिस निकिता की एज है 27 साल, और 27 साल में मिस निकिता कमाने लगी थी और उनका इनकम है 2,34,000, है ना, किसी कंपनी में प्लेसमेंट हुई होगी तो पैकेज मिला उनको 2,34,000। तो यार मिस निकिता 27 साल की है, मतलब ये फर्स्ट टेबल में लाई करती है अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स। तो अगर फर्स्ट टेबल की हम बात करें यहां पे, तो वहां पे तो 2,50,000 तक नील था ना, याद है ना आपको, पहला जो टेबल है बेटा जिसमें 2,50,000 तक नील है और इनका इनकम तो 2,50,000 से कम है, मतलब क्या इनको टैक्स देना पड़ेगा? स्ट्रिक्टली नो, नहीं, जरूरत नहीं। मिस्टर कुलकर्णी जिनकी एज है 36 और इनका इनकम है 3,27,000, अब 27 बोलो या फिर 36 बोलो, ये तो अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स ही आता है ना, तो अप टू द एज ऑफ 60 इयर्स के लिए एक ही टेबल है, पहला टेबल जिसमें 2,50,000 तक नील है, बट इनका तो 2,50,000 से ऊपर जा रहा है ना। कैलकुलेट नहीं करना यहां पे, बस बताना है लगेगा कि नहीं लगेगा। यस लगेगा, क्योंकि 2,50,000 से ज्यादा है तो यहां पर टैक्स लगेगा। मिस मेहता 44 साल उनकी उम्र है और 5,82,000 मतलब 5,82,000 उनका इनकम है, तो यार ये भी अप टू पहला टेबल ही फॉलो होगा यहां पे भी, और इनका इनकम तो 2,50,000 से ऊपर जा रहा है तो इनको टैक्स लगना चाहिए, वैसे नहीं लगना चाहिए बट लगेगा यहां पे। मिस्टर बजाज 64 टेबल सेकेंड, 64 मतलब टेबल सेकेंड, अप टू द एज ऑफ 60 होता है टेबल वन, 60 के ऊपर जाते तो टेबल सेकंड, उसके रूल अलग है। बताओ सबसे पहला स्लैब क्या है, सेकंड टेबल में स्लैब क्या है, 3,00,000 तक नील, याद है ना, 3,00,000 तक नील होता है और 3,01,000 से 5,00,000 तक फिर वो अलग टैक्स लगता है ना। तो यार ये तो 60 के ऊपर जा रहे, तो 60 के ऊपर जा रहे बट इनका इनकम भी तो 3,00,000 से ज्यादा है ना, 8,40,000 है, तो इनको भी टैक्स लगेगा। अब आते हैं मिस्टर डेसिल्वा, तो डेसिल्वा है 81 इयर्स के, तो ये तो थर्ड टेबल में चले जाएंगे, अबो 18 इयर्स, सॉरी अबो 18 नहीं सॉरी अबो 80 इयर्स, तो ये 81 है मतलब थर्ड टेबल में जाएगा, और थर्ड टेबल में यार हमने देखा था 5,00,000 तक छूट है थर्ड टेबल में, जिनका एज अबो 80 इयर्स है उनका 5,00,000 तक छूट है और इनका इनकम तो 4,50,000 ही है, तो क्या इनको टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा नो, इनको टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? सर्वांना समजते का सांगा बरं एकदा फटाफट चैट बॉक्स मध्ये, चैट बॉक्स थंड नाही झाला पाहिजे, चैट बॉक्सला गरम ठेवायचं नेहमी, फटाफट फायर इमोजी येऊ द्या, फटाफट एक बार हार्ट वाले इमोजीज येऊ द्या, पॉझिटिव वाइब्स आले पाहिजे कमेंट बॉक्स मध्ये, फटाफट 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 टेबल लर्न झालंय का फटाफट सांगा। चलो अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो मैंने बोला था ना एटीसी में आपको 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा, वो सब कुछ यहां पे अभी है ना। देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर करतार सिंह एज 48 इयर्स, बताओ फटाफट टेबल कौन सा, चैट बॉक्स में आने दो फटाफट, करतार सिंह वाला क्वेश्चन है जिसमें अगर एज 48 है तो टेबल कौन सा फॉलो होगा, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, 48 है ना। वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज ₹42,000, मतलब उनको इन हैंड सैलरी, अभी इन हैंड तो नहीं, इन अकाउंट सैलरी मिलती है, जो भी छोटे मोटे पीएफ वगैरह जो भी डिडक्शन होगा, छोटा मोटा डिडक्शन होगा, अलाउंसेस, हाँ अलाउंसेस कंपनी जो डिडक्ट करती है, और मंथली उनके अकाउंट में 42,000 आ रहा है। ही कॉन्ट्रीब्यूट ₹3,000 टू जीपीएफ, है ना,
देन ही हैज ऑल्सो बॉट रुपीज 15,000 वर्थ ऑफ NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो 3,000 पर मंथ इनका GPF में जाता है, 15,000 इनका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये पर मंथ दिया हुआ है बेटा, ये पर मंथ है और ये एनुअल है, यहां पे पर मंथ ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या? नहीं, तो ये एनुअल आपको एज्यूम करना है। एंड डोनेट रुपीज 12,000 टू द PM's रिलीफ फंड, और PM's रिलीफ फंड में उन्होंने डोनेट किया है कितना? 12,000। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जितना भी हमने थ्योरी पढ़ा था सेकंड लेक्चर में वो सब यहां पे भी एप्लीकेबल है, यहां पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बेटा पॉइंट नंबर वन, सॉल्यूशन में पॉइंट वाइज करेंगे हम, टैक्सेबल इनकम बताओ एक बार कितना है, नहीं उनका टैक्सेबल इनकम तो नहीं, सबसे पहले उनका एनुअल सैलरी, उनका एनुअल इनकम निकालते हैं, एनुअल इनकम कितना आएगा बेटा? 42,000 तो उनको मंथली मिल रहा है, ऐसे 12 महीने होते हैं, है ना, 12 ही महीने होते हैं ना एक साल में, तो कैलकुलेट करो कितना होगा, फिर ये 3-0 लास्ट में तो रहेंगे ही, 12 2 24 दो बचे, 12 4 48 और दो मतलब 50,40,000 उनका एनुअल इनकम है ना, तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, मैंने बोला था ना 1.5 लाख तक आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो भी आपको गवर्नमेंट ने दिए है उसमें कर सकते हैं आप, 1.5 लाख तक आपको छूट मिलेगी, फिर मैंने बोला था डोनेशन भी कर सकते हैं आप, उसमें भी छूट मिलेगी, तो ऐसा दिया है ना यहां पे, उन्होंने किया है बहुत कुछ। तो देखो एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज 3,000 टू GPF, तो एक काम करते हैं यहां पे भी या? हम सेक्शन बना लेते बेटा, ये जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सेक्शन 80C में आते हैं, जो डोनेशन होता है वो 80G में आते हैं गवर्नमेंट वाला, कैसे याद रखना है बोला था मैंने, और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह अगर होगा तो वो आता है 80, आप बताएंगे हेल्थ इंश्योरेंस कौन से सेक्शन में आता है, 80C 80G या 80D, आप बताएंगे फटाफट चैट बॉक्स में। तो यार यहां पे ना मैं एक काम करता हूं, इनका एनुअल इनकम तो आ गया, अब यहां पर मैं लिखता हूं अंडर 80C में क्या क्या आता है, अंडर 80C में आएगा बेटा GPF, तो GPF कितना है उनका, GPF तो मंथली कर रहे हैं ना, तो मंथली 3000 है, 3000 इंटू 12 होगा, तो कितना आएगा बेटा 3000 इंटू 12 मतलब उनका एनुअली जा रहा है 36,000 किसमें, GPF में, और उनका NSC भी है, NSC कितना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना जा रहा बेटा 15,000 है ना, तो ये 15,000 भी है। अब अगर इसका हम टोटल करेंगे, इसका अगर हम टोटल करेंगे, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से लिखता हूं ताकि हमें एडिशन में सिंपल हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा यहां पे 36,000 और NSC जो है NSC में जा रहा है उनका 15,000, तो टोटल कितना हो रहा है, ओके 51,000 इनका अंडर सेक्शन 80C आ रहा है 51,000, और यहां पे कहां तक छूट मिलती है बेटा 1,50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब यहां पे 51,000 अब इसमें से माइनस होगा, है ये 1,50,000 तक चलता था बट इन्होंने किया नहीं ज्यादा कुछ, इतना ही किया, तो इतना वो यहां पे क्लेम कर सकते हैं कि मेरा इतना सेविंग है मुझे इसमें से ये डिडक्शन करके दो, और उसके बाद जो बचेगा फिर उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बट अभी भी एक अमाउंट बाकी है, उन्होंने डोनेशन भी किया है 12,000 रुपीज, और वो तो जितना डोनेट किया उतना माइनस हो जाता है बराबर, तो इनका डोनेशन है बेटा 12,000 रुपीज, तो ये 12,000 का भी इनको डिडक्शन मिलेगा क्योंकि वो डोनेशन है प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया उन्होंने, तो यहां पे लिखते बेटा अंडर 80G गवर्नमेंट, ऐसे याद रखने के लिए बोला था मैंने, तो यहां पे लिखते बेटा PM फंड, कहां पे दिया था उन्होंने PM's रिलीफ फंड है ना, PM's रिलीफ फंड कितना दिया बेटा 12,000 रुपीज है ना, PM's रिलीफ फंड में उन्होंने दिया था 12,000 रुपीज राइट। अब देखो अब इनका टैक्सेबल इनकम कितना आएगा बेटा, इनका टैक्सेबल इनकम आएगा 5,40,000 माइनस ये वाला माइनस होगा और ये वाला भी माइनस होगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैं लाइन लिख के देता हूं बेटा, अंडर 80C मैक्सिमम
परमिसिबल लिमिट ऑफ डिडक्शन, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ डिडक्शन इज रुपीज 1,50,000। ठीक है, ये समझने के लिए दिया मैंने, इसका ये न्यूमेरिकल से कुछ लेना देना है नहीं, यहां पे तो नहीं एटलीस्ट। तो मैं ये बता रहा हूं यहां पे कि एटीसी में आपको ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 तक की छूट मिलती है और हमारे पास तो बहुत कम है 1,50,000 से, तो ये सारा का सारा हम माइनस कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई एग्जाम्पल अलग से आता है जिसमें इन्होंने इतना सारा सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो कि 1.5 लाख के ऊपर जा रहा है, मान लो 2 लाख उसने किया यहां पे, तो क्या आप ये 2 लाख इसमें से माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भले ही आपने आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक कर दिए है, बट आपको 2 लाख की छूट यहां पर नहीं मिलेगी एनुअल इनकम में। कितनी मिलेगी? ओनली 1.5 लाख मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर इसने तो 51,000 किया ना, तो कम किया है तो भी 1.5 लाख कर दो ना। नहीं, कम अगर किया है तो एक्चुअल भी जितना अमाउंट है उतना ही मिलेगा, आपने अगर ज्यादा किया है तो आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। क्लियर बेटा? क्लियर है, मतलब हमेशा 1.5 लाख नहीं मिलेगा, 1.5 लाख से ज्यादा किया तो 1.5 लाख ही मैक्सिमम कंसिडर किया जाएगा, अगर 1.5 लाख से कम किया है तो जो एक्चुअल में है वही माइनस होगा। अब समझ में आया? अब देखो यहां पर हम कैलकुलेट करते बेटा टैक्सेबल इनकम, तो इसको मैं लिखता हूं स्टेप 4। अब टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कैसे होगा? टैक्सेबल इनकम हमेशा कैसे कैलकुलेट करते बेटा हम? इज इक्वल टू एनुअल इनकम, या फिर डायरेक्ट लिख दो टैक्सेबल इनकम यहां पे कितना आएगा? 4,50,000। नहीं नहीं नहीं, गलत कर किया मैंने, 5,04,000 उनका एनुअल इनकम है। इसमें से माइनस क्या होगा बेटा? सेक्शन 80C वाला जो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, मतलब 51,000 माइनस होगा, और क्या माइनस होगा? 12,000 भी माइनस होगा क्योंकि ये पीएम्स रिलीफ फंड में चले गए, डोनेशन है। तो ये सब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है वो होती है टैक्सेबल इनकम, और उसके ऊपर लगेगा फिर टैक्स। बराबर? तो चलो फटाफट अभी सब्ट्रैक्शन करो बेटा, आप भी मेरी हेल्प करो। 5,40,000 माइनस 51, इनको मैं ऐड करके सब्ट्रैक करता हूं, है ना, चलता है ना। 51 और ये 12 कितना होता है? 63। हाँ, तो मैं डायरेक्ट 63 माइनस कर रहा हूं, आप आपके तरीके से करो, आपको जैसा सिंपल लगता है, मैं फटाफट कर रहा हूं। तो 4,41,000 आ रहा है मेरा आंसर, तो आप भी चेक करना बेटा क्या ये बराबर है, 4,41,000, है ना। तो अब ये है टैक्सेबल इनकम, तो इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था कि आपको 1.5 लाख तक छूट मिलेगी, आपने अगर डोनेशन किया है तो वो भी आपको पूरा का पूरा छूट मिलेगा, तो वो हम प्रैक्टिकली यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। अभी उनका इनकम है, उसमें से हमने ये एटीसी वाला माइनस कर दिया और उसके बाद डोनेशन भी माइनस कर दिया, तो अब जो अमाउंट बची है ना ये है फाइनल अमाउंट जिसे हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर अब टैक्स लगने वाला है, है ना, इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब देखते हैं ये कौन से स्लैब में आता है। इनका एज तो 48 है, मतलब टेबल 1 हम फॉलो करेंगे, और इनका इनकम आया 4,41,000। अब यहां पे काम आएगा टेबल, तो हम कौन सा टेबल फॉलो करेंगे बेटा? टेबल 1 करेंगे क्योंकि एज 48 है। बट स्लैब कौन सा आएगा अब वो टैक्सेबल इनकम डिसाइड करेगा। ये टेबल 1 में 2,50,000 तक तो नील होता है, 2,50,000 वन से 5 लाख तक का इनकम है ये, 4,41,000 ना, तो 2,50,000 वन रुपीज से 5 लाख के बीच में लाई कर रहा है ना। तो यहां पे रेट बताओ फटाफट कितना होगा, चैट बॉक्स में रेट बताओ कितना लगेगा, टैक्स का रेट कितना लगेगा? तो यहां पे टैक्स का रेट लगेगा बेटा, बताओ आप बताओ, मैं इधर लिखना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेबल 1, टेबल 1 हमने कैसे डिसाइड किया मैंने बता दिया, एज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेबल 1, अकॉर्डिंग टू टेबल 1 दिस इनकम लाइज इन स्लैब, लाइज इन स्लैब, कौन से स्लैब में लाई करती बेटा इनकम? 2,50,000 वन टू 5 लाख के बीच में लाई करती है,
क्लियर। तो अब इसके इस स्लैब के अंडर अगर लाई करती इनकम, तो इसका हमें रेट पता है, तो यहां पे लिखते बेटा देयरफॉर इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू, देयरफॉर इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 5% होता है यहां पे रेट, 5% ऑफ, 5% ऑफ। हाँ अब क्या 441,000 का 5% होगा? नहीं, क्या बोला था मैंने, जो भी टैक्सेबल इनकम है उसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, बट इसका नहीं करेंगे। टैक्सेबल इनकम माइनस इसके प्रीवियस वाला हाईएस्ट अमाउंट क्या था, 250,000 तक नहीं ले, तो 250,000 वन से लेके 5 लाख तक था, तो 250,000 माइनस करेंगे 441,000 में से, तो यहां पर आएगा बेटा 441,000 माइनस 250,000, तो 250,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ फटाफट, 441,000 माइनस 250,000, ये 25,000 हो गया ना गड़बड़, यस। अब ये माइनस करो 0001, ओके 1,91,000 आ रहा बेटा, तो 1,91,000 पे हमें 5% कैलकुलेट करना है, तो 00 गायब, 1,910 इंटू 5 करेंगे तो लास्ट में 0 तो 0 रहेगा, 5 1 5 5 9 45 बचे 4, 5 1 5 तो ये आएगा 9550, मतलब मिस्टर करतार सिंह को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा, 9550 रुपीज। क्लियर, 0 5 1 5 5 9 45, यस करेक्ट, 9550 रुपीज उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट क्या ये टोटल टैक्स है? नहीं, अभी भी नहीं हुआ कंप्लीट, आपका हिसाब पूरा नहीं हुआ है। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, 2% एजुकेशन सेस एंड 1% सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। समझ में आ रहा बेटा, ये क्वेश्चन मैं बहुत स्लो ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स तो हुआ, बट अभी भी हिसाब थोड़ा बाकी है ना, क्या बाकी है अभी, अब स्टेप कौन सा लिखेंगे, इसको मैंने 4 लिखा था, इसको मैं लिखता हूं 5, ठीक है। अब आएगा 6, अब आता है बेटा एजुकेशन सेस, स्टेप वाइज लिखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि जो चेक करते हैं एग्जामिनर उनको आसान हो जाता है चेक करना। एजुकेशन सेस कितना होता है बेटा, 2%, बट कौन से अमाउंट का, इनकम टैक्स का, तो 9550 का 2%, 9550 कितना आएगा बेटा, 2 / 100 इंटू 9550 कैंसल, ये 2 5 होगा और 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 फिर 4 बचेंगे, 5 9 45 और 5, यस 191। अब इसके ऊपर और क्या लगेगा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी लगेगा, वो भी लगता है 1%, तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस कितना लगेगा बेटा, 1% लगेगा, 1% ऑफ कौन सा, किस पे, इनकम टैक्स पे ही लगेगा, इनकम टैक्स का ही 1% लगेगा, है ना। तो 1% मतलब होता क्या ही होता है यार, 1/100 ही करना होता है, तो ये कैंसिल है ना, तो कितना आएगा इसका हाफ, है ना, इसका हाफ भी कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट देखो 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 95.5, क्लियर ना, 95.5 बराबर तो कर रहा हूं मैं, यस। तो आप देखो इनकम टैक्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट कर लिया, और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब हम बोल सकते हैं कि उनको टोटल इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट और फाइनल स्टेप आएगा बेटा टोटल इनकम टैक्स, यहां पे लिखेंगे हम टोटल इनकम टैक्स, तो इसमें क्या क्या आएगा बेटा, सबसे पहले तो 9550 आएगा जो कि इनकम टैक्स है, फिर आएगा एजुकेशन सेस जो कि 191 है, फिर आएगा सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, तो 3 अमाउंट हमेशा ऐड होंगे याद रखना, ठीक है, इनकम टैक्स,
एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, तो एडिशन करो फटाफट 9550 प्लस 191 प्लस 95.5, तो कितना आता है ये 5, ये 6, ये आएगा 9836.5 रुपीस। तो इतना उनको टोटल टैक्स देना है गवर्नमेंट को। क्लियर बेटा, आई होप सबको समझ में आया होगा कि ये इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले उनका एनुअल इनकम, देन एटीसी में क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, एटीजी में क्या है, हो सकता है एटीडी में भी होगा। एटीडी में क्या आता है आपने बताया नहीं कमेंट बॉक्स में। एटीडी में आता है हेल्थ इंश्योरेंस, वो अगर होगा तो वो भी पूरा का पूरा क्लेम होगा, उसका कोई 1.5 लाख का लिमिट नहीं होता है, वो बस एटीसी वाले का होता है। तो ये सब माइनस करने का जो बचता है उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो कौन से एज ग्रुप में है और कौन सा स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हम ये परसेंट लगा देंगे, टैक्स वाला रेट लगा देंगे। तो हमने यहां पे टेबल फर्स्ट और ये वाला स्लैब यूज किया, तो 5% ऑफ 191,000 आया, तो 9550 आया। इसके ऊपर लगाया हमने सेस जो 191 आया, और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 95.5। तो टोटल तीनों का एडिशन किया तो मिल गया हमें टोटल इनकम टैक्स पेएबल बाय मिस्टर करतार सिंह। ठीक है बेटा, तो आई होप यस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, टैक्स रेट फॉर डिफरेंट इनकम स्लैब्स क्या क्या होते हैं, देन उसका कंपटीशन कैसे होता है, मतलब कैलकुलेशन कैसे बनता है, और देन प्रैक्टिस सेट 6.2 के हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो टॉपिक है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट का जिसका डर लगता है, तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। बस ये टेबल्स अच्छे से लर्न करना बेटा, और मैंने बहुत मतलब मेरे साइड से जितना हो सकता है उतनी आपकी हेल्प की है कि टेबल कैसे लर्न किया जाए। ठीक है, तो आप भी आपके साइड से थोड़ा सा एफर्ट डालो, और टेबल अगर लर्न हो जाते हैं तो ये टॉपिक में कुछ है ही नहीं ज्यादा। क्लियर बेटा, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको मार्क्स लेने हैं, और इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको एकदम आप फोड़ के आएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो हम यहां पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।